हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर बिकॉज यू ऑलवेज कमेंट, यू ऑलवेज शेयर वीडियोस, यू ऑलवेज सब्सक्राइब चैनल। दैट्स व्हाई चैनल इंक्रीजिंग डे बाई डेज। सो टुडे इज माई सब्जेक्ट रिगार्डिंग हाउ यू कैन इनेबल एसेसिटिव टच फॉर योर आईफोन, एसेसिटिव टच फॉर योर एंड्रॉयड मोबाइल। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप ये टच देख रहे हैं इस तरीके से, ये आईफोन में होता है, लेकिन आप चाहते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इस तरीके का टच चाहते हैं जिससे कि आप आसानी से जो है आईफोन की जो है फैसिलिटी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिएगा इसको आप इनेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो कैसे वो कर सकते हैं यही आज अपनी इस वीडियो में मैंने बताया है, सेंसिटिव टच कैसे जो है आसानी से आप जो इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैंने यही जो आपको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखिएगा ये है कि आपको जो है प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जा कर के ये देखिएगा, मैं ऐप दिखा देता हूँ, वहाँ से आप इसे जो है ये देख रहे हैं आप, ऐसे असिस्टिव टच आप डालेंगे प्ले स्टोर में तो ये आ जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। प्ले स्टोर से जा कर के, प्ले स्टोर से अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू आल्सो। प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको ये असिस्टिव टच लिखना है, ठीक है ना। असिस्टिव टच लिख करके आप जो है इसको जो है कर सकते हैं इसको लोड। यहाँ पर आपको लिखना है असिस्टिव टच। अभी ये नेट मेरा इसमें इनेबल नहीं है, नहीं तो ये आ जाता, अभी मैं दिखा देता आपको, ठीक है। लेकिन आप ला सकते हैं इसको, इसमें बहुत इजी है, आप आसानी से जो है इसमें देख सकते हैं और देख करके इसे आसानी से अपने जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो ये ऐप, जैसे कि मैं ओपन करके इसको दिखा देता हूँ, देखिएगा जब इसे ओपन करेंगे आप देखिएगा असिस्टिव टच। सिर्फ आपको असिस्टिव टच लिखना प्ले स्टोर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन आ जाएगा, देखिएगा कोई सा भी आप इसका कलर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आप इसको आइकन ले सकते हैं आप कोई सा भी इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेना चाहते तो ये आ जाएगा, या और कोई सा भी आइकन ले सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेना चाहते हैं ब्लू तो ब्लू आ गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको जो है ये रहने दूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आप जो है इसका डिस्प्ले गेस्चर चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर है और आपका जो है ये देख सकते हैं इसमें लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिएगा लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा मैंने स्क्रीनशॉट चेक किया हुआ है, नोटिफिकेशन है, ये देख सकते हैं आप इधर से। तो ऐसे ही आप यहाँ जो भी आपने मर्ज़ी से ले सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन को चेंज करना है तो इधर से चेंज कर सकते हैं, जो भी ले सकते हैं आप इधर से कि वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, जो भी है आप इधर से सेलेक्ट करके जो है इसको ले सकते हैं और ले करके आसानी से जिसका जो है आप कस्टमाइज मेनू जो है कर सकते हैं। बहुत आसान है, अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो ये आईफोन की तरह अपना जो है मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं इस असिस्टिव टच को, तो आसानी से कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका आपकी मोबाइल पीसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी ऑन माई ओन नंबर और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ क्लिक दिस रेड सब्सक्राइब बटन, व्हेन यू विल क्लिक दिस रेड सब्सक्राइब बटन देन चैनल विल सब्सक्राइब एंड यू विल गेट ऑल माई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज विच आई अपलोड डेली। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर लीजिएगा। करने का फ़ायदा यही है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज डेली अपलोड करता हूँ वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होएगा। सो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, मैं इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और भी बनाता रहूँगा और ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और दूसरे लोगों को अगर इस तरीके का असिस्टिव टच अपना आईफोन की तरह अपने एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आसानी से जो है
इस फीचर्स को जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। इंशाल्लाह मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और भी बनाता रहूँगा और ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।